तो डोमिनेंट ट्रेट कौन सा ट्रेट होता है जो दूसरे ट्रेट की प्रेजेंस में भी खुद को एक्सप्रेस कर ले, यानी कि वो ट्रेट या वो जीन जो क्या करेगा इन प्रेजेंस ऑफ अनादर डिसिमिलर जीन, अनादर डिसिमिलर जीन मतलब कौन से पैर में, हिटेरोजाइगस पैर में क्या कर लेगा खुद को एक्सप्रेस कर लेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे डोमिनेंट। वो जीन या वो ट्रेट जो खुद को सिर्फ और सिर्फ कब एक्सप्रेस करेगा जब दूसरा जीन भी कैसा हो सिमिलर हो, यानी कि सिर्फ होमोजाइगस पेयर में ही क्या कर पाएगा खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा। इस तरह की जीन को हम लोग या इस तरह के ट्रेट को हम लोग क्या कहेंगे रेसेसिव। डोमिनेंट ट्रेट को हम लोग हमेशा कैसे दिखाते हैं कैपिटल लेटर से, और रेसेसिव ट्रेट को हमेशा कैसे दिखाते हैं स्मॉल लेटर से। जी क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? जी चलो अब आ जाते हैं हम लोग कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे, आ जाएंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, जब हम लोग किसकी बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो जब हम लोग सिर्फ एक कैरेक्टर पे खेलते हैं है ना, यानी अगर मैंने प्लांट की हाइट ली तो प्लांट की हाइट क्या है सिर्फ एक कैरेक्टर है। अब मैं दो प्लांट लूंगी, एक टॉल लूंगी एक ड्वार्फ लूंगी, तो मेरा कैरेक्टर इन कंसिडरेशन कितना है सिर्फ एक, कौन सा वो है एक कैरेक्टर हाइट। तो जब मैं एक कैरेक्टर कंसिडर करके दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करवाऊंगी, एक प्लांट कैसा होगा टॉल, दूसरा कैसा होगा ड्वार्फ। लेट्स से मैंने कहा कि मैंने अब एक कैरेक्टर ले लिया फ्लावर कलर, क्या ले लिया फ्लावर कलर, तो मैं आप खुद भी देखूंगी एक प्लांट देखूंगी जिसका फ्लावर कलर क्या है वायलेट है, दूसरा प्लांट देखूंगी जिसका फ्लावर कलर क्या है वाइट है, आई बात समझ में, और कुछ भी चेक नहीं करूंगी। तो जब मैं इनटू कंसिडरेशन सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर या सिंगल ट्रेट लूंगी, तो उस तरीके का प्लांट को जब मैं क्रॉस पॉलिनेशन करवाऊंगी क्या करवाऊंगी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्या कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और जब हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे क्या करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, तब दो कैरेक्टर लेंगे, मानो मैंने हाइट और फ्लावर कलर ले लिया, मानो मैंने क्या ले लिया फ्लावर कलर और पॉट का शेप ले लिया, मानो मैंने सीड का शेप ले लिया और सीड का कलर ले लिया, आ रही है बात समझ में। तो जब हम कोई भी कहानी दो ट्रेट्स कंसिडर करके करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे फिर अब सबसे पहले कहानी आती है यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस की, जो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है कि अगर अगर दो पेरेंट्स हैं जिन जो प्योर पेरेंट्स है, प्योर मतलब दोनों, अगर टॉल है तो उसमें वो होमोजाइगस टॉल होगा और ड्वार्फ है तो होमोजाइगस ड्वार्फ होगा। जब हम लोग बोलते हैं दो प्योर पेरेंट्स हैं, तो प्योर पेरेंट्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि दोनों की दोनों क्या रहेंगे होमोजाइगस रहेंगे, आया समझ में। तो हम लोगों ने क्या बोला कि व्हेन पेरेंट्स हैविंग प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस, देन ओनली वन कैरेक्टर एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ दी अदर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी कि टॉल और ड्वार्फ के बीच में कौन खुद को एक्सप्रेस करेगा, टॉल वायलेट वायलेट और व्हाइट के बीच में खुद को कौन एक्सप्रेस करेगा वायलेट, आ रही है क्या बात समझ में क्लियर है। तो जब ऐसा कुछ होगा तो हम लोग उस कैरेक्टर को क्या बोलेंगे डोमिनेंट ट्रेट बोलेंगे, जो हमको कहाँ मिलेगा F1 जनरेशन में, जो हमें कहाँ मिलेगा F1 जनरेशन। और दूसरे कैरेक्टर या दूसरे ट्रेट को हम लोग क्या कहेंगे रिसेसिव ट्रेट, दूसरे कैरेक्टर और दूसरे ट्रेट को हम लोग क्या कहेंगे रिसेसिव ट्रेट। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हम लोग दो चीजें समझा सकते हैं, एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा क्या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो अभी हम लोग जो चीख चीख के बोल रहे ना कि हम लोग को एक प्योर प्लांट लेना है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाला, प्योर प्लांट लेना है कौन सा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाला, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या ले लिया एक टॉल प्लांट ले लिया, क्या ले लिया एक टॉल प्लांट, ठीक है ना, जिसका जीनोटाइप क्या है कैपिटल टी कैपिटल डी। इसके साथ क्या कर, अच्छा अभी तो अपन को रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी, इसके साथ हम लोग ने क्या करना है एक प्योर प्लांट लेना है, यानी कि प्योर ड्राफ्ट ड्वार्फ लेना है, ड्वार्फ क्यों लेना है क्योंकि लॉ में बोला हुआ था हम कॉन्ट्रास्टिंग लेंगे, तो हम लोगों ने क्या करा स्मॉल टी ले लिया, ठीक है। तो ये जो कैपिटल टी होता है ये क्या होता है इसका जीनोटाइप, ये स्मॉल टी क्या होता है ये इसका जीनोटाइप, क्या होता है जीनोटाइप। लेकिन जो कैपिटल कैपिटल टी प्लांट में दिखेगा वो कैसा दिखेगा टॉल, टॉल तो टॉल क्या है इसका फिनोटाइप, फिनोटाइप ये स्मॉल टी जो है ये क्या दिखेगा ड्वार्फ, फिनोटाइप ड्वार्फ क्या है इसका, आया समझ में।
अब सुनो, जब इनका गैमीट फॉर्मेशन होगा, जब इनका क्या होगा, गैमीट गैमेट फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। तो ये दोनों टी तो नहीं आ सकते, दोनों में से एक आएगा, दोनों टी तो नहीं आ सकते, दोनों में से क्या आएगा, एक आएगा, बट क्योंकि दोनों ही कैपिटल है, क्योंकि दोनों दोनों ही ही कैपिटल, तो कैपिटल हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या कि कैपिटल टी आ रहा है या स्मॉल टी आ रहा है, क्योंकि जो एक पेरेंट है उसमें से मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल टी ही मिलेगा, और जो दूसरा पेरेंट है उधर पे से मुझे क्या मिलेगा, स्मॉल टी स्मॉल ही मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मेरे पास F1 जनरेशन आएगी, यहाँ पर मेरे पास जो क्या आएगी, F1 जनरेशन आएगी, वो क्या होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, वो क्या होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, टी क्योंकि कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, क्योंकि कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट डोमिनेंट कैरेक्टर है। कैरेक्टर। तो F1 जनरेशन में प्लांट कैसे आएंगे, टॉल, F1 जनरेशन में प्लांट कैसे आएंगे, टॉल, क्लियर है, बोलो कोई परेशानी, आगे जाएं। अब जब मैं इसका, ये जो टॉल प्लांट्स है कौन से, कैपिटल टी वाले, इनका जब मैं क्या करूंगी, सेल्फ पॉलिनेशन करूंगी, इनका मैं जब क्या करूंगी, सेल्फ पॉलिनेशन करूंगी, तो क्रॉस कैसे बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल क्या। अब जब इनके गैमीट्स बनेंगे तो इस बात से फर्क पड़ेगा क्या, हाँ, कि कैपिटल टी आ रहा है कि स्मॉल टी आ रहा है। तो हमने क्या करा, जो मेल पेरेंट था उसके दो गैमीट बन रहे थे, कौन से, कैपिटल टी और स्मॉल टी, वो टी क्या रख दिया, कैपिटल टी यहाँ रख दिया, स्मॉल टी यहाँ रख दिया, ठीक है। ठीक है, और जो फीमेल पेरेंट थी, उसने भी क्या थे, कैपिटल टी और स्मॉल स्मॉल टी, तो टी यहाँ पर फीमेल पेरेंट का क्या लिख लिया, कैपिटल टी और स्मॉल टी लिख स्मॉल लिया, क्लियर है, बोलो कोई परेशानी, ठीक है ना। अब जब ये वाला कैपिटल टी इस वाले कैपिटल टी के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी प्लांट का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी और फिनोटाइप क्या होगा, टॉल। फिर टी अगर ये वाला स्मॉल टी मेल का और कैपिटल टी फीमेल का कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये क्या हुआ, जीनोटाइप, और फिनोटाइप क्या हुआ, टॉल। फिर यहाँ पे मेल का कैपिटल टी और फीमेल का स्मॉल टी, स्मॉल फिर से क्या बनेगा, टॉल, और मेल का स्मॉल टी और फीमेल का भी स्मॉल टी, डी तो ये होमोजाइगस पेयर आ गया। रेसेसिव में होमोजाइगस पेयर क्या होता है, खुद को एक्सप्रेस कर लेता है, इसलिए प्लांट कैसा होगा, ड्वार्फ स्मॉल होगा। तो अगर हम लोग टॉल इस टू ड्वार्फ का रेशियो देखने जाएंगे, टॉल इस टू ड्वार्फ का रेशियो देखने जाएंगे तो कितना आ जाएगा, थ्री डी वन, और जीनोटाइपिक रेशियो कितना होगा, कैपिटल टी इस टू कैपिटल टी, स्मॉल टी इस टू स्मॉल टी, स्मॉल टी कितना होगा, 1:2। टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमें क्या बताता है कि अगर F2 जनरेशन में, क्या हुआ है, ड्वार्फ आया है, एक रिसेसिव ट्रेट दिखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या हुए होंगे, अलग हुए होंगे, सेग्रीगेट हुए होंगे। F2 जनरेशन में अगर स्मॉल टी आया है, इस बात से मुझे क्या प्रूफ मिलता है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी कहीं ना कहीं क्या हुए होंगे, सेपरेट हुए होंगे, सेग्रीट हुए होंगे, कब, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, कब, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, बोलो कोई परेशानी। डायहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने क्या बोला कि हम लोग दो कैरेक्टर्स देंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग क्या करेंगे, दो टू कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, एक लिया राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो। अब येलो सुनो, राउंड और रिंकल्ड में राउंड क्या है, डोमिनेंट है, रिंकल क्या है, रिसेसिव, और ग्रीन और येलो में क्या है, येलो डोमिनेंट सॉरी है और ग्रीन क्या है, प्रेसिडेंट आई बात समझ में। तो हम लोगों ने लिखा राउंड रिंकल येलो ग्रीन, इसके जब गैमीट्स बनेंगे, तो कैपिटल आर, में से कौन आएगा, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, में से कौन आएगा, स्मॉल वाई, इधर पे स्मॉल आर, में से कौन आएगा, स्मॉल आर, और कैपिटल वाई, में से कौन आएगा, कैपिटल वाई। तो जब F1 जनरेशन बनेगी, वो क्या बनेगी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब क्योंकि F1 जनरेशन है तो यहाँ पे तो खुद को कौन एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेंट वाला, तो हमारे पास जो प्लांट आएगा उसके पास सीड्स कैसे होंगे, राउंड एंड येलो, कैसे होंगे, राउंड एंड येलो। तो F1 जनरेशन कैसी होगी, राउंड एंड येलो। ये अब देखो, जब हम लोग इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, जब हम लोग क्या करवाएंगे, इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, तो सेल्फ पॉलिनेशन के टाइम पे जो हमारे गैमीज बनेंगे,
कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है और स्मॉल वाई भी आ सकता है, और स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है और स्मॉल वाई भी आ सकता है। तो मेरे चार गैमीट्स कौन से बनेंगे, मेल में कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल स्मॉल वाई। वाई। वैसे ही फीमेल में भी क्या बनेंगे, यही चार गैमीट्स बनेंगे। बोलो कोई परेशानी आई समझ में कहानी। अब जब हम लोग क्या करेंगे इसका क्रॉस बनाएंगे, क्या बनाएंगे क्रॉस, तो एक बार ये वाला डायगनल पिंक देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये जिसको मैं यहाँ पे नहीं बना सकती, अच्छा मैं यहीं पे करती हूँ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये वाला डायगनल दिख रहा है, ये वाले देखो डायगनल बनाया भी मैंने, यहाँ पे जीनोटाइप क्या है सेम है और फिनोटाइप भी क्या है, फिर तो सेम ही सेम होगा, है। दैट इज क्या राउंड येलो। अब जब तुम लोग ये वाला डायगनल देखोगे तो यहाँ पे सारे होमोजाइगस होमोजाइगस क्या आएंगे, होमोजाइगस 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 यानी होमोजाइगस कि हेटरोजाइगस आएगा ही नहीं। देखो कैपिटल आर दोनों कैपिटल है, यहाँ पे दोनों वाई भी कैपिटल है, फिर आर दोनों कैपिटल है वाई दोनों स्मॉल है, आर दोनों स्मॉल है वाई दोनों कैपिटल कैपिटल है है, और आर दोनों स्मॉल स्मॉल है है वाई वाई दोनों दोनों स्मॉल स्मॉल है। है। तो तुम इसको ऐसे भी याद रखते हो, ये वाले डायगनल में चारों अलग, ये वाले डायग्राम में चारों होमोजाइगस, अब क्या बचे, बचा हुआ कॉम्बिनेशन कि एक होमोजाइगस होगा और दूसरा हेटरोजाइगस होगा। सबसे पहले आओ ये देखो ये वाला, ये और ये दिख रहा है अलग ही कलर से हाईलाइटेड है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल स्मॉल वाई, वाले देखा। अब यही पे इधर ये वाला डायग्राम देखो, देखो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यानी कि देखो ये दोनों सेम है और ये ये दोनों दोनों भी सेम सेम है। अब इधर पे देखोगे ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम सेम, है। ये देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, आ रही है क्या बात समझ में। अब इधर पे जो पर्पल से हाईलाइटेड है वो सारे कैसे हैं राउंड येलो, सारे कैसे हैं राउंड राउंड येलो, येलो ऐसे राउंड येलो कितने हैं नाइन, कितने हैं नाइन, नाइन फिर राउंड ग्रीन कितने हैं तीन, तीन राउंड ग्रीन कितने हैं तीन, तीन रिंकल येलो कितने हैं तीन, तीन रिंकल येलो कितने हैं तीन और रिंकल ग्रीन कितने हैं वन, वन आई बात समझ में। तो ये क्या हो गया इसका फीनोटाइपिक रेशियो। अब इस क्रॉस से मैं क्या समझ में आया कि हमने जो शुरू में लिया था वो क्या लिया था राउंड ग्रीन और रिंकल येलो, हेलो लेकिन क्या राउंड के साथ ग्रीन चिपक गया था क्या, नहीं, नहीं क्योंकि जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो राउंड और ग्रीन भी सेपरेट होंगे, रिंकल्ड और येलो येलो भी भी सेपरेट सेपरेट होंगे, होंगे तो राउंड के साथ ग्रीन भी उतना आ सकता है जितना येलो येलो आ आ सकता सकता है, है और रिंकल के साथ भी ग्रीन उतना ही आ सकता है जितना येलो येलो आ आ सकता सकता है। इसलिए है। बोला पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बिहेव इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर्स, पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बिहेव इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर्स, और इसीलिए जब गैमीट फॉर्म होते हैं, जब क्या होता है गैमीट फॉर्म होते हैं तो गैमीट फॉर्मेशन के साथ राउंड के साथ ग्रीन भी मिलेगा और राउंड के साथ येलो मिलेगा, सिमिलरली रिंकल के साथ भी क्या मिलेगा ग्रीन भी मिलेगा और रिंकल के साथ येलो भी मिलेगा। बोलो कोई परेशानी। अब अगर हम लोग एक बार इसका क्या पढ़े स्टेटमेंट पढ़े, तो हम लोगों ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखो क्या लिखा हुआ है, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बिहेव इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर्स, दैट इज कैरेक्टर्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल सीड कलर एंड सीड शेप असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। बोलो कोई परेशानी आई समझ में कहानी। पहला जो थ्योरी क्वेश्चन है वो आता है मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पी प्लांट ही क्यों लिए थे, तो हमने कहा क्योंकि पी प्लांट में सबसे पहली बात वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, पी प्लांट्स बाइसेक्सुअल थे, बाइसेक्सुअल मतलब क्या होता है कि इसमें मेल भी होगा और फीमेल भी होगा, तो इसमें आप चाहो तो क्या कर सकते हो सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकते हो, चाहे तो क्या कर सकते हो क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हो, और पी प्लांट का जो लाइफ साइकिल रहती है वो क्या रहती है छोटी रहती है, इसलिए आप एक साथ में मल्टीपल राउंड्स ऑफ क्रॉप क्या कर सकते हो उगा सकते हो। नेक्स्ट मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए थे हमने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो हमने बोला कि मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स लिए थे, सेवन कैरेक्टर्स लिए थे, सीड शेप कैसा था या तो राउंड या फिर रिंकल, सीड कलर कैसा था येलो या फिर ग्रीन, पॉट शेप कैसा था राउंड और रिंकल, पॉट कलर कैसा था ग्रीन और, पॉट मतलब होता है मटर का वो जो छिलका होता है ना वो, हाँ
कलर पर्पल एंड व्हाइट, व्हाइट फ्लावर पोजिशन एक्सियल एंड टर्मिनल, मतलब या तो ऊपर होगी या तो साइड में होगी, व्हाइट और प्लांट साइज टॉल या फिर ड्वार्फ। बोलो कोई परेशानी। यहाँ पर तुम्हारे ये वाले कैरेक्टर्स क्या होते हैं, खत्म होते हैं, ठीक है।